इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कॉन्स्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डिक्रीजेस इंक्रीजेस एंड हाउ इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो अब अपने पास में मान लो पहले कोई चार्जेस थे Q1 और Q2, तो एयर में कितना फोर्स लग रहा था K, और इस K की जगह हम लोग अब कुछ और काम में ले लेते हैं, हम लोग A काम में ले लेते हैं, है ना। Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। तो ये था क्या, ये था 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, एयर की प्रेजेंस में लग रहा था। जब हम लोगों ने कोई मीडियम यूज कर लिया तो ये चेंज होके क्या हो जाता है, 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो ये होता है 1/4πε0εr Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख के दे रखी है, K लिख के दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ K यूज कर लेंगे और ये बन जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये अपना FM हो गया, ठीक भाई। अब हम लोगों को क्या बोल रखा है कि फोर्सेस का कंपैरिजन करना है। अब देखो FA कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, तो ये तो ये रहा, ये देखो है ना। तो हम लोग FM को क्या बोल सकते हैं, F air डिवाइडेड बाई K। अभी जो K होता है ना, K की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है यानी कि जो FM हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन कौन से आंसर्स में डिक्रीज दे रखा है, केवल एक में दे रखा है। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो गया भाई, 1/K बोला ना इसने, तो K टाइम डिक्रीज हो गया। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोचना है कि FM इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, 1/K × FA हो रहा है, तो ये एक्चुअली 1/K टाइम्स ऑफ FA है ना। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज वर्ड पहले से ही काम में ले लिया है हम लोगों ने, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया है। ये डिक्रीज वर्ड नहीं काम में ले रहा होता तो हम लोग बोलते हैं कि FM बिकम्स 1/K टाइम्स ऑफ FA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू, ठीक है। तो अपने पास में एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बिल्कुल सेंटर पर हम लोगों ने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों को क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलिए, और यहाँ पे विद साइन लिखा है सब। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो, का मतलब है कि ये तीनों चार्जेस अलग अलग इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कहने का मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये भी रहेगा। अब ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो हम लोग इनमें से केवल एक को चेक कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर नेट फोर्स जीरो है और इस पर भी नेट फोर्स जीरो है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो इस पर इसके कारण से फोर्स कितना लग रहा होगा, हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R2। मान लो ये डिस्टेंस R है, ठीक है, और इसको बैलेंस करता हूं तो ये इक्वल आएगा। नहीं यार, इससे तो गड़बड़ हो गया, ये तो इतना काम नहीं आ रहा। तो अब अपन ऐसा करते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसके कारण से इस पर फोर्स कितना आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R2, और इसके कारण से इस पर फोर्स, देखो ये R है तो ये भी R होगा, इसके कारण से इस पर फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 2R2। यहाँ कुछ हो सकता है भाई, के से के कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, और यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4R2, R2 से R2 कैंसिल, तो हमारे पास में स्मॉल क्यू इक्वल टू कितना आया, क्यू डिवाइडेड बाई 4। एक आंसर तो है, तो कम से कम हम इसको टिक तो कर सकते हैं। अब साइन की बात देखते हैं, देखो देखो ये दोनों तो पॉजिटिव हम लोगों को दे रखे हैं। अब ये वाला चार्ज मान लो इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर नेट फोर्स जीरो है ना, तो
या तो ये हो कि ये प्लस का है ना, तो इसके कारण से इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण से इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, तो ये ठीक है, बैलेंस हो सकता है। ये माइनस का हो तब क्या तकलीफ है भाई, नेगेटिव है तब क्या तकलीफ है। इसके कारण से इस पर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण से इस पर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, अभी भी तो चांस है कि बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्यू को देखते हैं, कैपिटल क्यू, ये वाला केस है कैपिटल क्यू के लिए। तो कैपिटल क्यू पर इसके कारण से रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब वो इस तरफ लगने वाला है, और ये भी प्लस का कैपिटल क्यू है, तो इसके कारण से इस पर फिर से रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो फाइनली एक ही तरफ लग रहा है, दोनों तरफ नहीं लग रहा है, तो ये कैपिटल क्यू बैलेंस या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो सकता है, यानी कि ये केस हमारे ये काम का नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है, इसके कारण से इस पर अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण से इस पॉजिटिव पर जो रिपल्सन फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब है जो क्यू आएगा स्मॉल क्यू वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कैपिटल क्यू बाई 4। तुम्हारा ये आंसर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q माइनस q एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू 2a, ठीक है, देन ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और इक्विलिब्रियम है भी, तो उसके बाद में वो स्टेबल और अनस्टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ चार्ज हैं और वो इस तरीके से रखे हुए हैं, यहाँ मान लो 4q चार्ज है, एक्स इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है, फिर माइनस क्यू चार्ज है, फिर एक और 4q चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है और इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस ए है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो कोई भी चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं उस पर लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब देखो ये वाला प्लस 4q और ये वाला प्लस 4q एक जैसे ही है, तो हम लोग इसमें से केवल एक प्लस 4q को देख लेंगे और उसके बाद माइनस क्यू को देख लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लस 4q को चेक करते हैं, इस प्लस 4q पर इसके कारण से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट से राइट की तरफ और इसके कारण से इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, कितना कितना लगेगा चेक करते हैं। इस पर इसके कारण से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो आएगा के 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके कारण से इस पर जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा के 16q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, ये कटेगा तो अपने पास में आएगा के 4q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों सेम है, इसका मतलब ये प्लस 4q इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है कि नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये ऑप्शन पहले से गलत हो गया। ठीक, अब उसके बाद माइनस क्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं, माइनस क्यू पर ये इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, तो यहाँ चेक कर लेते हैं, इसके कारण से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कितना आएगा के 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और इसके कारण इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर ये कितना आएगा के 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0, तो ये भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब हम लोगों को खाली स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्यू के बारे में बात करके, तो हम लोग पहले माइनस क्यू को चेक कर लेते हैं। अब हम लोग स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे कि इस माइनस क्यू को लेफ्ट या राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो मैं इसको अभी राइट की तरफ लेके आ रहा हूँ और यहाँ कहीं बीच में ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको ए बाई टू डिस्टेंस से इधर पुश कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं वापस से फोर्स कैलकुलेट करूंगा, ये फोर्स मान लो लेफ्ट की तरफ आता है तब तो ये वापस लौट के आ जाएगा, तब तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और यदि ये इस पर जो नेट फोर्स है वो राइट की तरफ ही है तो फिर ये वापस लौट के नहीं आएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो चेक करते हैं, तो जो नई स्टेट है उस स्टेट में
माइनस क्यू यहाँ आ गया, प्लस फोर क्यू ये वाला तो यहीं था, ये वाला यहीं था। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ए बाई टू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 a। ठीक है, अब इस पर इसके कारण से अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा देख लेते हैं, के 4q² डिवाइडेड बाई a/2², ये हो गया a/2², और इस पर इसके कारण से अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, चेक कर लेते हैं कितना लग रहा है, के 4q² डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस स्क्वायर, 3/2 a². ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² / 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × k 4q² डिवाइडेड बाई a², यहाँ पर 9/4 आएगा, इसका 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k 4q² डिवाइडेड बाई 9 a². अब देखो जरा, ये और ये तो यहां पर है, ठीक है, लेकिन इसमें 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इधर वाला जो फोर्स है वो वीक है और इधर वाला फोर्स है जो स्ट्रांग है, और हम लोगों ने इसको राइट की तरफ भी डिस्प्लेस किया था और राइट की तरफ भी नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये लौट के वापस नहीं आएगा, ये इधर ही चलता रहेगा, यानी कि ये माइनस क्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, ऑल द चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो गलत हो गया ना, माइनस क्यू तो अनस्टेबल में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही अपना आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है लेकिन ओपोजिट चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ठीक है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, ए का 25% हम लोगों ने निकाल के बी में डाल दिया, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम व्हाट, एफ के कंपेरिजन में पूछा है। ठीक है भाई, तो अपने पास पहले जो चार्ज थे वो ये थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, मान लिया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है के क्यू वन क्यू टू, यानी कि के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना ए वाला है और ये अपना बी वाला है, अब क्या बोला है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, इसका 25% इसको दे दिया, 25% मतलब कितना हो गया q/4, तो इसका q/4 हम लोगों ने निकाल लिया, तो इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा 3/4 q, मतलब इसमें से ही माइनस कर दो। ठीक है, अभी जो प्लस का q/4 है वो यहां चला गया, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, q/4 - q, ये तो आएगा भाई, इसमें से तो ये माइनस हो गया, हट गया, और इसमें ये प्लस वाला पॉजिटिव q/4 है वो इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहां कितना आएगा बताओ जरा, -3/4 q आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में दो चार्ज हो गए, एक तो प्लस का 3/4 q और एक माइनस का 3/4 q, इस तरीके से डिस्टेंस अभी भी वही है। अब इसमें जो फोर्स है उस फोर्स को मैं नया बोल देता हूँ एफ न्यू, ये कितना आएगा k, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 × 3 = 9, 4 कितना हो गया 16, और q हो जाएगा q² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो k² / r² की वैल्यू एफ है, यहां रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9/16 f, ये क्या आंसर में, हाँ है, ये अपना आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, द कूलम फोर्स वेक्टर एफ बिटवीन द टू इज व्हाट, मतलब किसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है ना उसको हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो ये कुछ ऐसे है कि अपने पास में जेड ई चार्ज न्यूक्लियस पर होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं पर है ना कोई सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो चार्ज होगा, ठीक है, मैं इसको क्यू वन से लिखता हूँ, ये कितना होगा जेड इन टू ई, जेड की जगह 1 हो जाएगा, तो चार्ज कितना आएगा ई, और जो दूसरा चार्ज है क्यू टू, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, जो रेडियस दे रखा है सर्कुलर ऑर्बिट का वो आर दे रखा है। ठीक, अब देखो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम फोर्स को कैसे लिखते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के। ठीक, आर के वाला आंसर एक है, बाकी सारे आंसर्स वेक्टर
आर के टर्म्स में, तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको वेक्टर आर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोगों को इनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म के किसी भी फॉर्मूले में चार्जेस की वैल्यू रखते हैं तो चार्जेस की वैल्यू भी साइन रखनी पड़ती है, ठीक है। अब जो क्यू वन है वो तो न्यूक्लियस का चार्ज है ना, न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव होता है तो इसको हम लोग प्लस ई रखेंगे, और जो क्यू टू है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो क्यू टू को हम लोग को माइनस ई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास ये आएगा के ई माइनस ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अपने पास आएगा माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर के, इसके जैसा आंसर रह गया। नहीं आर के वाला था है, लेकिन यहाँ आर क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ आर स्क्वायर लिखा है तो ये नहीं है आंसर। तो इसको चेंज करते हैं आर केब को ना, आर केब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को हम लोग डायरेक्ट जस्ट आर लिख सकते हैं, तो बस यही यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, आर और आर कितने हो गया आर क्यूब, तो अपने पास हो गया माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, कहीं दे रखा है क्या, हाँ ये सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या देखा है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट है, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर वन इज ई प्लस डेल्टा ई, तो ये प्रोटोन का चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटोमिक साइज अपार्ट इज जीरो देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ व्हाट, ठीक है हम लोगों को मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है तो उसमें नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो रहा होगा। हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे दो हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास में है, यहाँ पर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर घूम रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस ई है, ठीक है। तो ये जो एक हाइड्रोजन एटम है इस पर टोटल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ई और ई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में नेट चार्ज यहाँ पर कितना आएगा डेल्टा ई, इसी तरीके से यहाँ पर नेट चार्ज कितना आएगा डेल्टा ई, तो इनमें जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन दोनों डेल्टा ई के कारण से लगेगा, ठीक है। अब मान लिया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है डी है, तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस डी लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ जी इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा इस तरीके से, एफ जी कितना आएगा जी एम एच और इसका भी एम एच है तो एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा के इसका डेल्टा ई इसका डेल्टा ई डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल के को इसके नीचे लेके आ जाओ डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर अपॉन के, इन सब की वैल्यू पुट कर दो, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10^-11, एम एच हम लोगों को लिख के दे रखा है दो बार लिख देते हैं 1.67 इंटू 1.67 और उसके बाद 10^-27 दो बार आ जाएगा 10^-27 और 10^-27, ठीक है। फिर के कितना होता है 9 × 10^9 होता है, तो हम लोगों को अब डेल्टा ई निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो डेल्टा ई में फोर में तो इस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर ये दो बार आ रहा है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.67 एक बार आ जाएगा, ये भी दो बार आ रहा है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10^-27 एक बार आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये 10^9 है ऊपर जाएगा तो 10^-20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10^-10 आएगा, अब बच गया ये, इसका स्क्वायर रूट हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं कुछ 2.6, कैलकुलेट कर लेना तो। फिर अब इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4.342 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10^-37, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आने वाला है 1.447 इंटू 10^-37,
अब हम लोगों को बोला है कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या है, जब भी कभी ऑर्डर बता रहे होते हैं 10 के रेस्पेक्ट में, मतलब 10 की पावर के फॉर्म में, तो उसके साथ में जो लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो, है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब उसके बाद 10 की पावर को देख लेते हैं, कितने 10^-20 -37, तो बस यही इसका ऑर्डर है। ये भी ऐसा नहीं आ रहा होता, ये ऐसा आता 25.4, तो हम लोगों को इस डेसिमल को यहाँ लेके आना पड़ता है, इसको हम लोग को 2.54 बनाना पड़ता, फिर हम लोग बताते हैं कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टू पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इनमें से निकले हुए हैं, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, दोनों पर सेम चार्ज है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी, ठीक है। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी वॉट, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। देखो अपने पास में यहाँ पे कुछ एटम था, ये कुछ एटम था, दोनों पर चार्ज क्यू सेम है, ठीक है ना, दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो यहाँ पर मान लो चार्ज की वैल्यू क्यू इक्वल टू एन ई, तो इस पर भी चार्ज की वैल्यू होगी क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक भाई। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू के, के की के तो यूज नहीं कर रखा, 4π0 दे रखा है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 1/4π0। फिर चार्ज की वैल्यू कितनी है, एन ई और एन ई, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, बस हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबको उधर लेके जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4π0 डी स्क्वायर एफ, फिर एन स्क्वायर कितना आएगा, 4π0 टी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4π0 डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये आंसर है क्या इसमें कहीं पर, ये रहा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 × 10⁻⁶ किलोग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पर है, कहाँ पर, इन्हें होरिएंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर, ठीक। इसका मतलब है कि पेंडुलम पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो है, द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज वॉट, जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है, यहाँ 10 नहीं ले सकते, ठीक है भाई। तो क्या किया जाए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दे रखा है कि कोई पेंडुलम है जो इस तरीके से वर्टिकल से थीटा एंगल बनाए हुए, थीटा हम लोगों ने मान लिया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इस डायरेक्शन में मान लिया, चार्ज हम लोगों को लिख के दे रखा है, चार्ज की वैल्यू मैं क्यू ले लेता हूँ, तो ये क्यू इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। ये चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन टी हम लोगों को यहाँ पर थ्रेड में मिलेगी, ठीक है। अब ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक्स की तरफ है, ये वाई की तरफ है, खाली टी एक्स और वाई के बीच में, तो इस टी को हम लोग रिजोल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक तो ऐसे वर्टिकली वाई की तरफ और एक हॉरिजॉन्टली एक्स की तरफ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, जिस तरफ थीटा होता है उधर हम लोग कोस थीटा लिखते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है उस तरफ हम लोग साइन थीटा लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ये रेस्ट पर है, इसका मतलब ये हो गया कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और मतलब लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो टी कोस थीटा इक्वल टू एम इंटू जी। अब हम लोगों को टेंशन पूछा है, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, है ना, उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर कोस ई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो और प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। टी स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आई है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू लिखो। अब इसकी कैलकुलेशन देखो डिफिकल्ट नजर आ रही है, हम लोग क्यू का स्क्वायर करेंगे फिर ई का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से एम स्क्वायर करेंगे जी स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो थोड़ी डिफिकल्ट फील हो रहा है। तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर यह ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। तो जब हम लोग क्यू इंटू ई की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 4 × 10⁻⁴, इसी का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम लोग एम जी का स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁻⁴। हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस करके रूट निकालेंगे, तो देखो कितना ईजी हो जाएगा। ये 4 और स्क्वायर कर रहे हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁸ प्लस ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁸, है ना भाई। पावर के पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 और 2 8। अब रूट तो आ ही रहा है देखो, अब इसको सॉल्व करना आसान है। ये कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁸, 16 और 9 कितने, तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 10⁻⁸ का रूट कितना आएगा 10⁻⁴, हाफ हो जाएगा। आंसर न्यूटन में है क्या, हाँ है, ये अपना आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, सेम चार्जेस हैं दोनों पर, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ भी इक्वल है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैंप्ड एट हाफ द हाइट, मतलब यहाँ कहीं पर बीच में इसको क्लैंप कर दिया, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम व्हाट, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ फिगर दे रखा है कि यहां से ये हाइट कितनी है, वाई है, और अभी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है। अब क्या किया हम लोगों ने, हाइट के हाफ पॉइंट पर कहीं पर इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्लेम कर दिया, ठीक है, इसलिए ये वाई वाई टू लिखा हुआ है फिगर में, और इन दोनों बॉल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो उसको चेंज होकर कैपिटल आर हो गया। इस कैपिटल आर को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसके लिए देखते हैं। मान लो देखो इस वाली कंडीशन में इसका इस पर रिपल्सन इस तरफ लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, एम जी फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इस तरफ टी वन मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, खाली यही टेंशन वाला फोर्स कहीं बीच में है, तो इसके हम लोग कंपोनेंट्स करते हैं एक्स और वाई की तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब जिधर थीटा होता है उस तरफ हम लोग कोस थीटा लिख देते हैं, तो इस तरफ टी वन का कंपोनेंट बनेगा टी वन कोस थीटा, और इसी तरीके से इस तरफ जो T1 का कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा T1 sin थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, तो T1 sin थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसी तरीके से ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो हमारे पास में बनेगा T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो T1 से T1 कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना आएगा बताओ, टेन थीटा, इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर और फिर एम जी, ये इक्वेशन नंबर वन। यहां पर टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा कितना आएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए, देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए
ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। देखो ट्राइंगल को मैं फिर से बना देता हूँ, ये ऐसे है ट्राइंगल, ये थीटा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई, ये तो वाई है, ये कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आर बाई टू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो जाएगा, तो टेन थीटा कितना आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया आर अपॉन टू वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम जी। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन मानने की जगह पर इसको मान लेते हैं। अब ऐसे यहां पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की जगह ये एंगल बदल के कुछ और हो जाएगा, मान लिया फाइव हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, हम लोग कंडीशन तो यही बना रहे बनाएंगे है ना। तो यहाँ पर मैं टेन थीटा की जगह टेन फाइव लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टेन फाइव, चार्जेस में कोई डिफरेंस आया ही नहीं है तो ये के क्यू स्क्वायर ही रहेगा, खाली यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है ये स्मॉल आर था तो इसलिए वो बदल के अब कैपिटल आर हो गया है, तो हम लोग इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, एम जी तो एम जी ही रहेगा, इस तरह की सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो ऐसे बनेगा, ये फाइव है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है कि आर बाई टू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई बाई टू, अब ये वाली डिस्टेंस अब वाई बाई टू कर दी ना, हाफ कर दी थी ना। ठीक है, तो जब हम इसके लिए टेन फाइव लिखेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो हो जाएगा आर अपॉन वाई, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, समझ में। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो आर अपॉन वाई में इसको डिवाइड करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा टू वाई अपॉन स्मॉल आर, वाई से वाई कैंसिल, इसमें ये डिवाइड करूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, तो ये उल्टा हो जाएगा आर स्क्वायर एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, एम जी से एम जी कैंसिल, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो हम लोगों को तो कैपिटल आर निकालना है तो मैं इस कैपिटल आर स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूँ, या आर स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर क्यू, ये टू साथ में है ही, फिर ये स्मॉल आर इधर जाएगा और यहाँ पे पहले से आर स्क्वायर है तो इधर आके कितना हो जाएगा आर क्यू, यहाँ से कैपिटल आर क्यूब निकालो टू इसके नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया आर क्यूब डिवाइडेड बाई टू, मेरे को तो आर निकालना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो अपने पास में आर इक्वल टू कितना आएगा आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू, ये इसके जैसा है। ठीक है, तो अपने पास में आंसर कौन सा वाला हो गया, ये वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस डी, डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी, देन वी वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द स्फीयर्स इज व्हाट। तो इसमें हम लोगों ने दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंड कर रखे हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल रिपल्सन के कारण से थोड़े दूर हैं, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एल है, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है ना, ठीक है, रिपल्सन के कारण से जो सेपरेशन है वो डी जो है वो इनकी लेंथ के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम है, यानी कि ये जो थीटा है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये मतलब है। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो एल के कंपेरिजन में काफी ज्यादा छोटा है। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो चार्ज क्यू है उसको हम लोग लीक कर रहे हैं, तो लीक करेंगे तो इस तरह वाला जो फोर्स है वो बढ़ने लगेगा, तो ये दोनों नजदीक आने लगेंगे, तो वो कोई इस पर्टिकुलर स्पीड से नजदीक आने वाले जिसको हम लोगों ने वी बोला है, तो ये वी जो है वो इनके बीच सेपरेशन यानी एक्स के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। अब हम लोगों ने इसको एक्स इसलिए बोल दिया क्योंकि अब इनका मूवमेंट शुरू हो रहा है, और शुरू शुरू में वो पहले डी डिस्टेंस पर रखे हुए थे जब चार्ज लीक होना शुरू नहीं हुआ था, तो हम लोग तब से बात करना शुरू करें जब चार्ज लीक होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उस मोमेंट पर मान लिया कि इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है और इस पर भी चार्ज स्मॉल क्यू है। ठीक है, और जब लीक होना शुरू हो रहा है उस समय पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स है और उस समय पर ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस तरफ टेंशन फोर्स लगेगा, इसका इस पर रिपल्सन इधर लगेगा और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ वाला ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इसी पिक्चर को मैंने दोबारा बना दिया, ये टी है, ये एफ है, ये एम जी है। इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ वाला जो एम जी को बैलेंस करेगा टी कोस थीटा, और एक इस तरफ वाला जो एफ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो जब जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं उस मोमेंट पर टी साइन थीटा एफ के इक्वल होना चाहिए है ना, और टी कोस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल होना चाहिए।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम जी। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जब तो ये उधर मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो फिलहाल टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी है। ठीक है, अब हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के को मैं फिर से बना रहा हूँ, इसमें ये एल है और ये पूरी की पूरी एक्स है, तो ये यहां से यहां तक कितनी आएगी, एक्स बाई टू। इस ट्राइंगल में ये एक्स बाई टू हो गया, ये एल हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस से, तो बेस कितना आएगा, एल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाई फोर को माइनस करना है, फिर रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, अब टेन थीटा में लिखना चाह रहा हूँ, यहां से टेन थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो गया एफ ओपन एम जी, मैंने इस साइड लिख दिया, एफ ओपन एम जी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो अब क्योंकि ये थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, या फिर बोल दो कि ये जो डी था वो एल से बहुत छोटा है, तो एक्स ऑब्वियसली एल से बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई फोर को एल स्क्वायर के कंपेरिजन में छोड़ देंगे, तो ये यहां से हट जाएगा, एल स्क्वायर का रूट कितना आएगा एल, तो इस साइड भी कितना आएगा एक्स अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, अब यहां से हम लोग एफ की वैल्यू रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं उस वाला का चार्ज कितना है, क्यू है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम जी तो था ही, अब यहां से हम लोग एम जी और के वगैरह को दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन ट्वेल्व के, और ये एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यू। अब ये क्यू स्क्वायर हम लोग क्यू चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि डी चार्ज जो है कॉन्स्टेंट रेट से लीक हो रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि क्यू आ जाए, जिससे कि डी क्यू बाई डी टी मिल जाए, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट एम जी बाई टू एल के, और इधर आ जाएगा एक्स टू दावर थ्री बाई टू। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थ्री बाई टू आ गया आएगा, फिर थ्री बाई टू में से वन माइनस होगा तो वन बाई टू बचेगा, फिर एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये टी नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ये डी क्यू अपॉन डी टी तो हम लोगों को लिख के दे रखा है कि चार्ज जो है कॉन्स्टेंट रेट से लीक हो रहा है, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है, ये खुद कॉन्स्टेंट है, थ्री बाई टू भी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग इस पूरे को डी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर एक्स थ्री बार वन बाई टू बचा, और ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो क्या हो जाएगा, इस चार्ज का इस तरह वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसको हम लोगों ने वी लिख दिया। ठीक है, अब एक्स टू दी बार वन अपॉन टू और डी को साइड लेके जा रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन डी और एक्स टू दी बार वन अपॉन टू। ठीक है, हम लोग को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में रिलेशन लेके आना है, तो एक्स टू दी बार वन अपॉन टू को ऊपर लेके चले गए, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू, यानी कि वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।